Your question is, if the radius of Earth be 6.37 into 10 it was 6 meter and acceleration due to gravity 9.8 meter second minus 2, then calculate the mass and density of the Earth. Okay. Acceleration due to universal gravitational constant capital G is equal to 6.67 into 10 it was negative 11 meter square kg minus 2. This is your question. ठीक है, तो given data mass of the earth, ठीक है, sorry, radius of earth given and acceleration due to gravity, height of surface given, ठीक है, तो write down given data, solution, तो what is given, radius of earth given, so write here RE, radius of earth, earth RE 6.37 into 10 raised to power 6 meter. 6 meter. Okay. This is your radius of Earth. Acceleration due to gravity 9.81 meter second minus 2. Okay. Capital G 6.67 into 10 raised to power minus 11 newton meter square kg minus 2. Okay. Yeah, na? कि फाइंड मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ, आपको मास बताना है और डेंसिटी ऑफ द अर्थ बताना है, ना? ठीक है, तो चलिए तो राइट रिलेशन इन विच मास ऑफ अर्थ इन्वॉल्व, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ एंड एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी इन्वॉल्व, ना? तो आपको एक ऐसा रिलेशन लिखना है जिसमें स्मॉल जी, कैपिटल जी, आर ई और एम ई आता हो, कोई ऐसा रिलेशन दे जिसमें कि स्मॉल जी आता हो, कैपिटल जी आता हो, मास ऑफ अर्थ आता हो और रेडियस ऑफ अर्थ आता हो, कोई सलूशन है? तो देखिए एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज गिवन बाय GME upon R square, GME upon R square, ये हमने डायरेक्ट किया था, देखिए स्मॉल जी इक्वल टू GME upon R square डायरेक्ट किया गया था, ठीक है, यहाँ से ME इक्वल टू कितना हो जाएगा, we have to find value of ME, तो G into R square upon capital G हो जाएगा, ना, क्योंकि R square divide है, इधर दूसरी तरफ भेजेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ME मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ भेजेगा तो सॉरी जी मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ भेजेगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये भी आपको फाइंडिंग करना है, ये भी यहाँ लिखते हैं, ठीक, तो आप इसे वैल्यू रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ जी 9.81 एंड मास ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ गिवन 6.37 इंटू 10 रेज टू पावर 6 होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, कैपिटल जी इक्वल दिया है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11, ये कैपिटल जी है ना, अब इसे सिंपलीफाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.81 इंटू 6.37 इंटू 6.37 इंटू, देखिए जब पावर ओपन करिए इसको ओपन करिएगा तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, ए रेट टू पावर या फोर टू पावर या छोटे क्या होता है, ए रेट टू पावर या इंटू एट, उसके अकॉर्डिंग 10 रेट पावर 6 इंटू 2 हो जाएगा, क्या लिखेगा यहाँ पर 10 रेट टू पावर 6 इंटू 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6.67 इंटू 10 रेट पावर माइनस 11 है ना, ठीक है, अब चलिए इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई के लिए कितना आएगा बताओ, ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आप क्या रहे
398.059 मल्टीप्लाई करिए कितना मिलेगा, 3.398 0.059 अपॉन 6.67 इंटू 10 8 4। अब देखिए यहाँ क्या मिलेगा, 10 8 4 2, 6 × 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो राइट है 12 ना, इन डिविजन आंसर बेस पावर सब्ट्रैक्टेड ना, ये होता है। तो देखिए ये 12 पावर दे रहा है, ये माइनस 11 पावर है, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा, है ना, नीचे माइनस हो तो ऊपर जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 11 हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस माइनस 11 प्लस 11। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये चीज हो जाएगी आपके 10 8 4 23, 10 8 4 23 ना, 12 प्लस 11 23। अब जो है डिवाइड करिए तो पहले आएगा 5.59.67, इसको डिवाइड करिए क्या आएगा, 59.67 आएगा, ठीक है, इंटू 10 8 4 23 है ये। अब इस चीज क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, देखिए डेसिमल को क्या करेंगे, डिजिट एक डिजिट के पहले रखते हैं, डेसिमल पहले क्या होगा, एक डिजिट रखा जाता है, बाय कन्वेंशन जो है हम डेसिमल के पहले क्या रखते हैं, एक डिजिट रखेंगे, डेसिमल के लेफ्ट जो है एक डिजिट रहेगा और सेवन डिजिट क्या रहेगा, राइट में रहेगा। तो हमको क्या करना है, डेसिमल एक डिजिट जो है लेफ्ट शिफ्ट करना है ना, जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं पावर क्या होता है, ऐड होता है, और जितने डिजिट शिफ्ट करेंगे उतने पावर ऐड हो जाएगा, और राइट शिफ्ट करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, और जितने डिजिट शिफ्ट करते हैं उतने सब्ट्रैक्ट होता है ना, तो यहाँ पर एक डिजिट आप शिफ्ट कर रहे हैं तो इसलिए एक पावर ऐड होगा, तो 5.967 इंटू 10 8 4 23 प्लस 1 हो जाएगा, है ना, इसके बाद क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 5.967 इंटू 10 8 4 24 हो जाएगा, 24 kg। तो मास ऑफ पार्ट कितना है, बताइए ये राउंड फिगर इसके ऊपर ए वैल्यू लेंगे, इसके बाद कितनी आ जाएगी, ए वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10 8 4 24, क्योंकि ये 24 kg ना। तो देखिए ये है 5 रुपया 96 पैसा ना, यार 5 रुपये 97 पैसे हैं, इसको 6 रुपये ले लो, ठीक है। देखिए ये नंबर जो है नेल अमाउंट बहुत बराबर होगा, नेल अमाउंट बहुत बराबर, इसमें लोग इसमें ऐड हो गए तो 6 आ गया, 6 × 10 8 4 24 kg, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है, मास ऑफ अर्थ इज 10 8 4 6 × 10 8 4 24 kg, है ना, ठीक है, राइट डाउन ये चीज फाइंड कर, राइट करिए।